भक्ति काल में जिंदगी की बहुत सारी बातें सामने आती हैं। जिन कवियों ने अपनी रचनाएं की, उन्होंने जीवन के बारे में बताया, प्रभु के बारे में बताया, ज्ञान की बातें बताई और ये सीख दी कि दुनिया में किन राहों पर चलकर हम अपनी जिंदगी को संवारेंगे। उस काल में बहुत सारे कवि हुए, बहुत सारी रचनाएं हुई, लेकिन सबके बीच एक ऐसा संत कवि आया जिसने हमारी जिंदगी बदल दी, जिंदगी की राहें बदल दी। वो आम आदमी के भीतर तक प्रवेश कर चुका था। उसकी बातें हमारी जिंदगी में हजार रंग घोलती हैं। वैसे तो उसने निर्गुण एक संप्रदाय की स्थापना की, लेकिन उस संप्रदाय में जीवन की बातें थी, चेतना की बातें थी और प्रभु की बातें थी। वो कवि थे संत कबीर। संत कबीर ने जो अपने दोहे दुनिया के सामने रखे, जो अमृतवाणी का प्रसार प्रचार उन्होंने किया, उस अमृतवाणी में हमारी जिंदगी की तस्वीर साफ दिखलाई पड़ती है। उनके सीख भरे दोहे जीवन को बदलने वाले हैं और उनकी रचनाओं में हमारी जिंदगी की धूप छां दिखलाई पड़ती है। कबीर का वचन है, माला फेरत जगमुआ, माला फेरत जगमुआ, मिटा न मन का फेर। माला फेरत जगमुआ, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। बहुत सुंदर वचन है, सुनते हैं। माला फेरत जगमुआ, माला फेरत जगमुआ, कर का मन का डर दे, मन का दे, कबीर मन का दे, कबीर मन का दे। माला फेरते हुए तो ये पूरा संसार मरता है। माला के दानों को राम 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 राम, शिव 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 शिव, हरे कृष्ण ये फेरते फिरते जगमुआ, कबीरदास कह रहे हैं। मिटा न मन का फेर, इस मन में जो भ्रम है, जो अज्ञान है, जो अंधकार है, वो तो कभी मिटा नहीं। इसीलिए कबीर कहते हैं कि कर का मन का डार दे, कर यानी हाथ, मन का माला, डार दे छोड़ दे, यानी हाथों में जो तू माला लेकर चलता है उसे तू छोड़ दे, और मन का फेर, मन रूपी जो माला है उसी को फेरो, और मन रूपी माला को फेरोगे तो प्रभु मिलेगा, परमात्मा से तुम्हारी मुलाकात होगी। इसीलिए कहते हैं, माला फेरत जगमुआ, माला फेरत जगमुआ, माला ये हाथ के जो माला है, हाथ में जो माला झूलती रहती है उसे फेंक देना है, उसे हटा देना है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सांसारिक चीजें हैं, दिखावे की चीजें हैं, जिनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, भक्त की राह पर हम चल नहीं पाते, उन चीजों को अपने से दूर कर देना है। और मन का फेर, यानी मन में प्रभु को बसा ले, वही भीतर है, उसे देखते हैं तो ये जीवन का फेर भी मिट जाता है। इसीलिए कबीर का ये कहना है, माल
करता